आज हम लोग बनाएंगे चकोली। इसके लिए हम लोग को चाहिए बेसन, वाइट ऑयल, नमक, काला जीरा, थोड़े से अजवाइन, लहसुन का पेस्ट और इसके साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। चलिए बनाना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले आप बेसन ले लें और बेसन में डाल लें आप थोड़ा नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ी सी लाल मिर्च के पाउडर, जितना स्पाइसी आपको रिक्वायर्ड है, और ये सारे सामग्रियों को मिला लें। अब इसमें आप डाल लें लहसुन का पेस्ट। इसमें लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो ही अच्छा है। और फिर इसको एक टाइट बैटर हम लोग गूंथ के, आटे जैसा गूंथ के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये गूंथ के तैयार है, देख सकते हैं ये कितना टाइट है। ऐसे ही आपको ये टाइट गूंथना है। तेल गर्म होने के लिए रख दें कढ़ाई पे। और ये ऐसा साँचा मिलता है मार्केट में, इसमें बहुत सारे आपके ऐसे नोजल दिए रहते हैं, इसमें स्टार वाला जो है उसमें आपको ये बनाने हैं। इसको बनाकर एक तरफ रख के इसको बंद कर लें और इसमें आप डाल लें ये बेसन का बैटर। इसको बंद कर लें। अब इसको घुमा घुमा के आप चकरी के शेप में इसको निकाल लें। अब इस तरह से इसको घुमा घुमा के इसे चकरी का आकार देंगे और इसी तरह से सबको बना ले। देखिए तो घुमाते जाइए, जैसे ही निकलते जाएगा इसको इस तरह से आप गोला बनाते जाइए। देख सकते तेल गर्म हो गई है। अब ये सब हम लोग फ्राई कर लेंगे। एक एक करके इसको डाल दें और बिल्कुल लो मीडियम आंच पे इसको आप फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा हो गया है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह से आप सारी चकड़ियों को फ्राई करके निकाल लें और बिल्कुल क्रिस्पी होते तक इनको फ्राई करिएगा। लीजिए बनके तैयार है आपकी चकड़ी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे। थैंक यू।